कलर्स टीवी ला चुका है एक ऐसा शो जिसका नाम है नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। इसके लीड एक्टर पुनीत चौकसे आज हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, सबसे पहले तो लखनऊ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है इस शो से, आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, हमारा मैसेज यही है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक परेशानी है, मुझे ऐसा लगता है कि हाइट, छोटे कद के लोगों को बड़े अजीब तरीके से देखा जाता है, उनसे सही व्यवहार नहीं किया जाता है और वो लोग इन्फीरियर फील करते हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि उस चीज़ को दूर किया जाए और उनकी क्वालिटीज़ जो उनके अंदर हैं उस चीज़ को समझें वो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हाइट सब कुछ नहीं होता है, हाइट भगवान की दी हुई चीज़ है। किसी को लंबा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, लेकिन आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए और आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान रखें और उनसे आगे बढ़ें। अच्छा, काफ़ी सारे शोज़ में आपने काम किया है, जहाँ तक साडा हक है, नागिन हो या फिर नागार्जुन हो, इस शो को किस तरह से देखते हैं? लगता है कि अपने आप को कुछ आप थोड़ा सा और उभार पाए हैं शो में? जी बिल्कुल, ये किरदार जो है बाकी शोज से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या, काफ़ी डिफरेंट है। और जो भी मैंने पास शोज, पुराने जो शोज़ हैं वो जो भी किए हैं उनसे इसका कह सकते हैं मैटर बिल्कुल अलग है। वो अलग तरह के शोज थे और ये कह सकते हैं कि फुल ऑफ ड्रामा है, सब कुछ है इसमें, हंसी है, खुशी है, दुख है और एक मैसेज है जो समाज को जा रहा है। So I'm very happy with the show. अच्छा पुनीत, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। बैंकिंग से आपने अपना करियर एक तरह से बैंकिंग में आप आए थे, फिर उसके बाद एकदम से एक्टिंग में जंप, क्या है इसके पीछे? जी एक्टिंग में जंप कह सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी कॉलेज के टाइम से काफ़ी एक्टिव था और फैशन शोज करता था वहाँ पर। लेकिन कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है जो आप फॉलो करते हो, पहले पढ़ाई करते हो फिर जॉब करते हो। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता, तो वही मैंने फॉलो किया। लेकिन जो दिल में होता है, आप अगर उस चीज़ को फॉलो करें तो आई थिंक आपको शायद खुशी भी अच्छी मिलती है और आप उसमें 100% दे पाते हैं और तो धीरे धीरे सक्सेस भी आपको मिलती जाती है। अच्छा, आजकल वेब सीरीज़ का भी दौर चल रहा है, जहाँ तक आपने बताया आपने भी एक वेब सीरीज़ करी है। लगता है आपको वेब सीरीज़ से कहीं ना कहीं से जो न्यू कमर्स हैं या उन लोगों को कहीं ना कहीं से एक अपने आप को सामने लाने का मौका मिलता है? वेब सीरीज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी मुझे लगता है वेब सीरीज़ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि उसमें बाउंड्रीज बहुत कम है, तो हम जैसी नेचुरल हैं चीज़ें वैसी हम दिखा पाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आई थिंक जो अच्छा कंटेंट है उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए और उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने शो के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमें फीडबैक आ रहा है आपको शो काफ़ी पसंद आ रहा है और हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप हमारा शो देखें और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और उस चीज़ हम ऐसा कुछ कंटेंट दें जिससे आम जनता को कुछ मिल सके। सो बस यही कोशिश है और इसी के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। बहुत बहुत पुनीत जी R9 TV से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पुनीत चौकसे, जो आज अपने शो को प्रमोट करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि हमारा शो एक ऐसा शो है जो कहीं ना कहीं से लोगों की मानसिकता को बदलने का काम करता है, जिनके अंदर एक सोच है कि छोटे लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं या छोटे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कलर्स TV पर आ रहे शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस रिया शुक्ला आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनको आपने नील बटे सन्नाटा, हिचकी, तनुवेट्स मनु में भी देखा होगा। इनके दमदार अभिनय दिखाई दिया है। सबसे पहले तो आपका लखनऊ में स्वागत है, वैसे आप लखनऊ की ही रहने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगी लखनऊ के लिए? सर यही कहना चाहूँगी कि लखनऊ की तहजीब ही ऐसी है कि यहाँ तक खींच लाती है सबको और बहुत खुश हूँ कि अपने जन्म स्थान पर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने जन्म स्थान पर, अपनी बर्थ प्लेस पर आके आप सबसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि परिवार मिल गया फिर से। रिया, थोड़ा सा आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि इसका नाम है नाटी पिंकी की लव स्टोरी और आपकी जो हाइट है वो 4 फीट 8 इंच है, लगता है आपको कहीं ना कहीं से हाइट मैटर करती है? और दूसरा, क्या लगता है आपको एक जो नाटी का टैग है अगर वो आपके साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं से कुछ दिक्कत होगी? आई डोंट थिंक सो सर, कला सबसे पहले बोलती है, मेरे हिसाब से कला सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी। अगर आप में टैलेंट है तो हाइट डजंट मैटर और मैं इसी विश्वास के साथ मैंने ये शो को पकड़ा है। नाटा टैग मैंने अपने महज दिमाग में एक तारीफ के तौर पे लिया है क्योंकि जिस तरह से प्यार लोगों का, ऑडियंस का मिल रहा है, मेरे लिए तो नाटा शब्द बहुत ही उम्दा है।
अच्छा एक बात और रिया आपसे, अभी तक आपने मूवीज में ही काम किया है, चाहे नील भट्टे सन्नाटा हो, स्वरा भास्कर के साथ में, हिचकी रानी मुखर्जी के साथ में, एकदम से सीरियल में आना लगता है कहीं ना कहीं से एक डिमोशन है ये कि प्रमोशन है, क्या कहेंगी? सर दिस इज अ प्रमोशन नॉट अ डिमोशन फॉर मी बिकॉज ऑफ आप मूवीज अगर करते हैं तो आप महीने भर आप जाने जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छी हुई तो हो सकता है 6 महीने आपको लोग याद रखें, लेकिन अगर आप सीरियल करते हैं तो आपको लगातार एक घर से आप जुड़ जाते हैं, फिर वो शो अगर अच्छा चलता है तो आप साल दो साल आप एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और फिल्म्स का क्या है सर कि कभी कभी छोटे लोग ही नहीं देख पाते हैं, बड़े ही लोगों तक रह जाती है, लेकिन हमारा जो ये टीवी का शो होता है वो क्या है कि जितना बड़े लोगों को कनेक्ट करता है उतना ही छोटे लोगों को कनेक्ट करता है। जहाँ लोग रिया आपसे बात करना चाहेंगे कि जहाँ लोग आजकल कहते हैं कि थिएटर करने के बाद इंडस्ट्री में अपनी वो जगह नहीं बना पा रहे हैं, आपने बिना एक्टिंग सीखे ये धमाल मचाया हुआ है, क्या राज है इसके पीछे? सर इसके पीछे माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, और शायद मेरे पूर्वज और मेरे माँ बाप का और मेरे गुरु का आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और बाकी सर डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो मिल ही जाता है, फिर आप चाहे जितना उसको दबा कर रखें, तो बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ भी हुआ है कि हाथों की लकीरों में था कि कुछ करना है। तो अच्छा रिया एक बात और आपसे, हिंदुस्तान के हुनरबाज आई थिंक उससे आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, डेब्यू किया था, और आज कैसे देखती हैं अपने आप को, कितना इम्प्रूवमेंट देखती हैं, क्या लगता है कि उस टाइम की रिया और आज की रिया में कितना फ़र्क आया है? सर कद का फ़र्क आया है और थोड़ा सा हेल्थ में फ़र्क आया है, बाकी तो सर अभी हम सीख ही रहे हैं और सीखते जाएंगे, उस टाइम भी सीख ही रहे थे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आगे भी सीखते ही चले। बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी R9 TV से बात करने के लिए, और R9 TV की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका शो बहुत आगे जाए। हमारे साथ मौजूद थी नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस रिया, जो आज लखनऊ में मौजूद थी अपने शो को प्रमोट करने के लिए। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV उत्तर प्रदेश।